हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सीधा जाता है। और LIC का ये प्रीमियम जुटाने का काम more than 90% आर बीइंग डन बाय द LIC एजेंट्स। आसमान में नहीं चढ़ के आता है, कोई ग्राहक चल के LIC का दफ्तर में आके पॉलिसी नहीं कराते हैं। 90% ऑफ द क्लाइंटल ऑफ LIC आर कलेक्टेड बाय द LIC एजेंट्स ऑल ओवर द कंट्री अलोन। सो आज का डेट में LIC का जो प्रतिष्ठा है, द फिनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ LIC टू चैनलाइज दैट फिनेंस इन द डेवलपमेंटल वर्क इन द कंट्री, ऑल दीज द LIC एजेंट्स हैज गॉट ए वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड सो दे हैव देयर लेजिटिमेट डिमांड दैट द स्टेट मस्ट लुक आफ्टर देम प्रॉपरली। एंड सो पर्टिकुलरली देयर गारंटी ऑफ अर्निंग एंड ऑल्सो their social security rights, these are the issue which state must take responsibility, because they are supporting the state financial system by their hard work. This is an issue which has to be fought on the street. There is no point of convincing the minister, because not only this minister, even previous finance minister also, they told that these schemes cannot be agent centric, matlab agent ka koi mang manga ne mana nahi jayega, ye Chidambaram ne bola tha, aur Arun Jaitley bhi wahi raah par chal raha hai, to isko convince karne ka koi matlab nahi hai, it's no use। भैंस के आगे बीन बजाना होगा अगर उसको पास जाके आप बोलोगे ओके यू हैव टू गिव ए मेमोरेंडम टू रीच देम, नो डाउट ऑफ इट, बट ये भैंस के आगे बीन बजाना होगा। सो व्हाट एवर टू डू, यू हैव टू डू बाय योर ओन स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रगल। और आज का परिस्थिति में सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट कर दिया ये GST ने। प्रीमियम के रिस्क एलिमेंट के ऊपर पहले कोई टैक्स नहीं था, अभी पूरा प्रीमियम का ऊपर GST लागू हो गया, जिसमें जो क्लाइंटल है उसका ऊपर इसका असर आएगा, LIC का ऊपर भी इसका असर आएगा, LIC का टोटल बिजनेस का ऊपर, जो सीधा सीधा आपको अर्निंग के साथ जोड़ा हुआ है। और साथ साथ और एक बात है, जो ये गवर्नमेंट इसको कंसीडर ऐसे नहीं करेगा अगर उसको मजबूर ना किया जाए तो, कई ये गवर्नमेंट का जो टोटल आर्थिक नीति का प्रोग्राम इकोनॉमिक प्रोग्राम है, डूइंग अवे विद द पब्लिक सेक्टर फिनेंशियल सिस्टम इज ऑल्सो वन ऑफ दैट प्रोग्राम बीइंग परस्यूड बाय थ्रू द नीति आयोग। तो LIC जिंदा रहे ना रहे सरकार के कोई सरदर्दी नहीं है, ऑल्दो इट इज ए सरकारी कंपनी। सरकार प्राइवेट फिनेंशियल सेक्टर, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को बढ़ावा देने के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन जानबूझ के LIC के लिए ये अड़चने पैदा कर दिया है। और LIC जिससे प्रीमियम लेता है उसका 99% वो अपने बेनिफिट मिलता है उसका, वर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी उसका सेटलमेंट रेशियो लेस देन 30% है। सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी अगर एक साथ करो तो ये लोग जनता से प्रीमियम लेके धोखाधड़ी करता है, चोरी करता है, लेकिन सरकार उसको ही बढ़ावा दे रहा है, उसको ही प्रोमोट कर रहा है LIC को डिफिकल्टी में फेंकते हुए। सो दिस इज अ स्ट्रगल, ए जॉइंट स्ट्रगल नॉट ओनली ऑफ एजेंट्स बट द LIC यूनियंस ऑल्सो। और ऑन दिस देश के सारे ट्रेड यूनियन ये आर्थिक नीति के खिलाफ एक साथ संघर्ष के मैदान में है। 8 अगस्त नेशनल कन्वेंशन होगा, उसके बाद
तीन दिन का धरना ये नेशनल कैपिटल में नवंबर महीना में होगा और उसको बाद हम हड़ताल के ओर जाएंगे और उसमें आपको महत्वपूर्ण भूमिका ना केवल LIC एजेंट को शामिल करने में का बारे में है, वो तो आप करेगा ही, समाज के अंदर बाकी मजदूर जमात के अंदर भी ये संघर्ष को ऐलान लेके आपको पहुंचना है। तो ये बोलते हुए जो एक बड़ा संघर्ष सामने है, आपने लगातार संघर्ष के मैदान में है, आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर कंटिन्यूटी इन द स्ट्रगल एंड आई अगेन एक्सटेंड द फुल सपोर्ट ऑफ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन इन सपोर्ट ऑफ योर स्ट्रगल एंड आई ऑल्सो एडवाइज मेक सीरियस एफर्ट टू इन्वॉल्व अदर एजेंट्स एसोसिएशन ऑल्सो इन योर स्ट्रगल, इट इज इंपॉर्टेंट, तभी जाके दबाव बन सकता है, उसका एफर्ट भी आप करोगे। ये बोलते हुए दोबारा बाई रीटारेटिंग माई सपोर्ट एंड रीटारेटिंग माई कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आई कंक्लूड इन टॉप जिंदाबाद।